बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी बेगूसराय पहुंचे, जहां उन्होंने मटिहानी विधानसभा क्षेत्र के रचियाही में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। राजद उम्मीदवार तनवीर हसन के पक्ष में आयोजित इस सभा में जीतन राम मांझी ने अपने कार्यकाल में सरकार के द्वारा की गई उपलब्धियों को गिनाते हुए तनवीर हसन को वोट करने की अपील की। जीतन राम मांझी ने कहा कि मैं अपने 9 महीने के कार्यकाल में विकास के कई ऐसे काम किए हैं जो जन उपयोगी थे। जैसे हमने एक प्रस्ताव लाया था कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के जितने भी बूढ़े हैं, चाहे वह किसी भी जाति के हो, उन्हें 1000 मासिक पेंशन दिया जाएगा। और हमने बेरोजगार युवाओं के लिए भी बेरोजगारी भत्ता लाने की बात की थी। बाद में हमारी सरकार को जबरन गिरा दिया गया, जिससे यह सारी योजनाएं अधर में लटकी रह गई। जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र में अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो बिहार से भी नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंकने का हम लोग काम करेंगे और लालू जी को भी जेल से बाहर निकालेंगे। तत्पश्चात बिहार में भी महागठबंधन की सरकार होगी और जितने भी वायदे हमने अपने 9 महीने के कार्यकाल के दौरान किए हैं, उन सबों को पूरा किया जाएगा। गिरिराज सिंह के द्वारा दिए गए बयान तथा सहला रशीद के द्वारा दिए गए बयान के संबंध में जब जीतन राम मांझी से पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ये सब ऐसे लोग हैं जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ कर वोट की राजनीति करते हैं और समाज को तोड़कर जीत हासिल करना चाहते हैं। बेगूसराय से पिंकल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, डीएन सिटी लाइव, बेगूसराय। आपका मोहर बटन कहाँ दबेगा? इसीलिए आप लोगों से कहना है कि आप तनवीर भाई को जिताइए, तनवीर भाई जीत के जाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, वहाँ हमारे सहनी भाई भी रहेंगे। हम भी गया से लड़े हैं, हम भी गया से चुनाव लड़े हैं और चारों सीट हम लोग वहाँ जीत रहे हैं और जीत करके जाएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को हटाएंगे और जितना काम कहा सब काम पूरा करावेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आज लालू यादव जिसकी चर्चा अशोक भाई कर रहे थे, सही है कि उनको जानबूझ के फंसाया गया है। सीबीआई के डायरेक्टर तक कहा है कि उनको फंसाया गया है, तो क्यों भाई जेल में रखा जाएगा? सीजन घोटाला वाले घूम रहे हैं, वो मुजफ्फरपुर सेंट्रल होम कांड वाले सब घूम रहे हैं और हमारे लालू जी जेल में हैं। और जेल में भी कैसे, आज उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात कि दूसरा ब्लॉक में उनको टेस्ट कराने जाना होता है, वो मना कर दिया कि नहीं नहीं जाएगा। तो इस तरह से अत्याचार कर रहा है लालू जी पर। तो हमारा कहना है एक काम से अनेक काम हो जाएगा। तनवीर हसन साहब को 29 तारीख को लालटेन पर बटन दबाइएगा तो वहाँ सरकार बनेगी, नीतीश कुमार को हटावेंगे हम लोग और लालू यादव को भी जेल से हम लोग छुड़ावेंगे। ये कि हमारे पास बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं, हर कोई को जो 30 वर्ष 35 वर्ष सरकारी सेवा में रहता है तो उसको पेंशन मिलता है, लेकिन जो केवट का बूढ़ा, मुसहर का बूढ़ा, कोई किसान का बूढ़ा, कोई व्यापारी का बूढ़ा, काम करते करते 7-8-10 वर्ष से 70 वर्ष तक 74 वर्ष तक काम करता है, उसको पेंशन नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना। तो पहले वो 200 रुपया पेंशन देते थे किसको, जिसका बीपीएल में नाम है उसको, और बीपीएल में नाम भी बेईमानी से होता था। जो बड़ा बड़ा आदमी था ना उसका बीपीएल में नाम, और गरीबन जिसका घर नहीं है उसको एपीएल में नाम, तो छूट जाता था। तो इसीलिए जीतन मांझी जो गरीब का बेटा था, हम कानून बनाया कि हम चाहे बीपीएल हो या एपीएल हो, सिर्फ 60 वर्ष से ऊपर कोई जाग का रहे बूढ़ा बूढ़ी सबको हम 1000 रुपया पेंशन देंगे, ये हमने तय किया था मेरे भाई। लेकिन ऐसा कहा, सरकार उनकी थी, उनके लोग थे, चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, अंत में हमको कह दिया कि सर इसको डबल कर दीजिए, दोगुना कर दिया, अभी 1000 न कीजिए। तो हम जानते हैं, हम लगाया कि चलो, होता है ना देहात में कि बैठने का जगह मिलता है तो पसर भी जाता है आदमी। तो 20 फरवरी 2015 को हम विधानसभा बुलाए हुए थे और ये जनवरी की बात थी, हम कहा रहो रे मन,
आने दो विधानसभा, विधानसभा में हम डिक्लेयर कर देते हैं कि साहब सभी बूढ़ा बूढ़ी को चाहे जिस जात का रहे उसको 1000 रुपया हम पेंशन देंगे। एक अगर 4 महीना समय हमको मिल जाता है, 1 साल नहीं 4 महीना और समय मिल जाता ना, तो जितनी बातें हम कह रहे थे सबको रगड़ करके चालू करवा दे ताकि सब गरीब को फायदा हो जाता। मतलब नहीं, जाति धर्म और भावना फैला करके वोट लेते आए हैं उसी से तरह वो कर रहे हैं जिसकी निंदा हम करते हैं। यह देश सबों का है, किसी की जागीर नहीं है। जमीन के लिए किसी